जोधपुर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत ने पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ के मसूरिया स्थित घर जाकर उनका आशीर्वाद लिया। वहीं बद्रीराम जाखड़ के परिवारजनों ने वैभव गहलोत को तिलक लगाकर आरती उतारी। साथ ही बद्रीराम जाखड़ ने शॉल उठाकर वैभव गहलोत का स्वागत भी किया। इस दौरान वैभव गहलोत कई मुद्दों पर मंथन भी करते नजर आए और मतगणना की तैयारियों को लेकर बातचीत भी की, और ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं। संपन्न हुए लोकसभा चुनाव के परिणाम कल आने हैं, मतगणना कल होनी है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत कल से आज तक लगातार अपने से बड़ों का आशीर्वाद भी ले रहे हैं, कुलदेवी के भी कल दर्शन किए हैं, कल हनुमान मंदिर भी गए हैं, शिव मंदिर भी गए हैं, परिवार के लोगों से भी आशीर्वाद लिया, आज जिस तरीके से पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ के घर पर पहुँचकर उनका भी आशीर्वाद लिया, तो कहीं ना कहीं ये संस्कार की बातें होती है, अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेना और कहने के आत्मीयता से सभी के साथ संबंध स्थापित करना, लोगों का ये जो प्यार, ये जो दुआएं हैं, वो कामयाबी की ओर लेके जाती है। 15 साल का जो वैभव गहलोत का अनुभव है, उसमें सबसे अधिक बात करें संस्कार की, लोगों के प्यार स्नेह की, आशीर्वाद की और मेहनत से पार्टी को मजबूत करने की। अब हर किसी को उम्मीद यही है कि इस बार विकास जो है उस मुद्दे को लेकर के जब वैभव गहलोत ने चुनाव लड़ा है तो वैभव गहलोत चुनाव जीते, इस तरह की दुआएं घरों में भी की जा रही है। सो मोहन सिंह गहलोत के साथ राजीव गौड़ फर्स्ट।